पति को वश में करने के उपाय। अगर आपका पति आपसे प्रेम नहीं करता था तो आपके रिश्तों में हमेशा तकरार रहती है, वह आपका वैवाहिक जीवन पहले जैसा नहीं रहा, तो उसके लिए आपको पति को वश में करने के लिए कुछ उपाय करने होंगे, जिससे आपका जीवन साथी आपकी हर बात सुनने लगेगा तथा आपको उसके मध्य सभी तकरार समाप्त हो जाएगी तथा जीवन की खुशियाँ आप उपभोग करेंगे। पति का वशीकरण। यदि आपका पति आपकी बात नहीं सुनता, जिस कारण घर में अशांति बनी हुई है और आपका व्यवहारिक मधुर संबंध अब कटु होता जा रहा है, तो आपको एक छोटा सा उपाय बताने जा रहा हूँ। शनिवार के दिन अर्धरात्रि को उठकर एक मंत्र को 21 बार जपें। उ चिंदा ही नमा मूंगली, उ चिंदा ही नमा पतिदेव, उ चिंदा ही नमा मूंगली। इसको 21 दिन तक आपको अर्धरात्रि में उठकर जपना होगा। आपका पति आपके वश में हो जाएगा, हम आपकी हर बात को और आपकी हर बात को मानने लगेगा। इसका असर आपको 2 ही हफ्तों में लगेगा। अगर आपका पति आपको छोड़कर किसी और पराई स्त्री के चक्कर में है, जिस कारण घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो आपको हर रविवार शाम के समय घर में और शयन कक्ष में बैठकर करने के बाद एक मंत्र को 21 दिन तक जपना होगा। सी करिए में वयश में वयश में कुरु कुरु स्वाहा। पढ़ने से भी आपका पति का ध्यान सिर्फ आपकी तरफ ही रहेगा और वो आपके वश में हो जाएगा। आप जो चाहेंगी वो करेगा। आप उठने को कहेंगी तो उठेगा, बैठने को कहेंगी तो बैठ। इस मंत्र का जाप करते समय कोई गलत विचार मन में ना लाए।